देश दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन माघ मेले का आगाज कल 14 जनवरी से शुरू हो जाएगा। माघ मेला क्षेत्र में संतों का आगमन शुरू हो गया। आज हमारे साथ हैं मौनी महाराज, जिन्हें रुद्राज बाबा के नाम से पूरे देश दुनिया में लोग जानते हैं। मौनी महाराज संगम क्षेत्र में आ चुके हैं, इनका पंडाल लग रहा है। आज हम इनसे खास बातचीत करते हैं। महाराज जी, कल माघ मेले का शुरुआत होगा और 14 जनवरी मकर संक्रांति से माघ मेले का आगाज हो जाए, तो माघ और मकर संक्रांति का क्या महत्व? माघ मकर रवि गति जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई। मज्जन कर फल पेखिय तत्काला, काक होई पिक बकबु मराला। तीर्थराज प्रयाग की परम पावन धरा पर देवता धनुज किन्नर नर गंधर्व मनुष्य संत महात्मा विद्वान साधक तपस्वी सारे यहाँ उपस्थित होकर के माँ गंगा की गोद में संकल्प लेकर के एक महीने तक माँ के अमृत का पान करते हैं और स्वर्ग से भी दुर्लभ इस पावन भूमि में रह करके यज्ञ पूजा पाठ जप तप अनुष्ठान वेद की परंपराओं के अनुसार करते हैं। यहाँ एकाहार होकर के माँ की दिव्य गोद में रेती में निवास करते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए जप के साथ निष्ठा के साथ यज्ञदान तप करता हुआ गृहस्थ भी वैरागी हो जाता है। यहाँ वैराग्यवान व्यक्ति तो मोक्ष प्राप्त कर ही लेता है, गृहस्थ भी यहाँ तेजवान हो जाता है, निर्धन धनवान हो जाता है। और जिन्हें संतान चाहिए, जिन्हें यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, पुत्र चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए और जिन नेताओं को राजपद चाहिए, उन्हें भी यहाँ प्राप्त होता है। क्योंकि गोस्वामी दास जी महाराज ने लिखा है, तीर्थराज प्रयाग में जो व्यक्ति आता है उसे अर्थ धर्म का मोक्ष चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं। श्री जी यम चिंतते कामम तम तम प्राप्त दृश्यतम, जो भी आप चाहते हैं वो आपको प्राप्त होता है। तीर्थराज प्रयाग यहाँ भगवान अक्षय पट विराजमान है, जो निश्चित रूप से अक्षय पुण्य को प्रदान करने वाले होते हैं। तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगाने से समस्त कामनाओं की पूर्ति होती है, पितर से लेकर के देवता तक प्रसन्न होते हैं। ग्रह पूरक ग्रह, पापक ग्रह, शापक ग्रह, तापक ग्रह, नवक ग्रह, अरिष्ट ग्रह समाप्त होते हैं, मंगल होता है, कल्याण होता है। महाराज जी, मकर संक्रांति का कल कौन सा मुहूर्त होगा, कब मकर प्रवेश करेगा जो है, और किन बातों का ध्यान देना होगा श्रद्धालुओं का, किस तरह से ध्यान? देखिए, इस बार मकर संक्रांति का पर्व हमको दो दिन प्राप्त हो रहा है। 14 तारीख को 2:28 से मकर के सूर्य प्रवेश हो रहे हैं, इसलिए जब मकर के सूर्य होते हैं तब तीर्थराज प्रयाग में कल्पवास का पावन पर्व प्रारंभ हो जाता है। 14 तारीख को हम स्नान कर सकते हैं और 15 तारीख को जब उदयातिथि मिलेगी तब भी मैं पूरी निष्ठा और संकल्प के साथ उपासना करें। हमें तिल के साथ पूजन करने का विशेष महत्व है, दान करें, यज्ञ करें, तर्पण करें पितरों के कल्याण के लिए और रोग शांति के लिए। अगर आप तिल और तेल दोनों का प्रयोग करते हैं, गुड़ का प्रयोग करते हैं, तो आपको और कल्याण होगा। बड़ी बड़ी बाधाओं की मुक्ति के लिए, बड़े बड़े कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों की मुक्ति के लिए भी कल तिल का दान करना बहुत कारगर होता है। संतानवानों को भी सफ़ेद तिल और रोग नष्ट करने वालों को काला तिल तथा विद्या प्राप्त करने वालों को दोनों तिल प्राप्त करके अगर आप ऐसा काम करते हैं तो आपकी कामनाएं पूर्ण होगी और यज्ञ भी अनुष्ठान भी आपका पूर्ण होगा। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी। देखिए, हमारे साथ ये मौनी महाराज थे, जिन्होंने बताया कि कल से मकर राशि में लगभग 2 के बाद सूर्य में प्रवेश करेगा। अगर इस दौरान अगर आप तिल से पूजा करते हैं तो आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूर्ण होगी। पत्रिका उत्तर प्रदेश से सुमित यादव, प्रयागराज।